हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम एस के गौर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स। मैं इसका एक वीडियो कल डाल चुका हूँ, दूसरा वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो फ्रेजल वर्ब्स का मतलब होता है वाक्यांश क्रियाएं जो कि बनती हैं मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से। ओके, तो पहली हमारी फ्रेजल वर्ब है कैरी आउट। कैरी आउट मतलब पालन करना। ओके, तो आप उसे याद कैसे करेंगे? रटने से कुछ होगा नहीं, आप इसे याद कैसे करें? हाउ टू लर्न। तो कैरी मतलब ले जाना, आउट मतलब बाहर। अभी तुमसे कोई कहे कि जाओ चीनी ले आओ, ये सौदा ले आओ, वो सौदा ले आओ, तो आप कैरी मतलब ले जाना, आउट मतलब बाहर। तो आप ले गए बाहर, क्या ले गए बाहर? उसकी बात को, उसके आदेश को। तो आप उसके आदेश को बाहर ले गए मतलब आप चीनी खरीदने चले गए, मतलब आपने उसकी आज्ञा का पालन किया। कैरी आउट बाहर ले जाना, इसका मतलब याद का तरीका बता रहा हूँ। इसका मतलब हुआ है कि पालन करना, ऐसे याद कर लीजिए। मतलब आप घर पे है, किसी ने कहा जाओ ये सौदा ले आओ, तो आपने उसकी बात का पालन किया, मतलब उसकी बात को बाहर ले गए, मतलब उसको आपने फॉलो किया है। इसका मतलब पालन करना है। ओके, तो इसमें कैसे याद करोगे? तो ओके, तो कैरी आउट, ओके याद हो गया। तो इसमें लिखा है तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना चाहिए, तो यू शुड कैरी आउट माई ऑर्डर्स। क्योंकि आदेश जब देगा आदमी तो काम के लिए देगा। ओके, तो काम मतलब लगभग समझ लीजिए 90% बाहर काम हुए कहता आदमी। ओके, अगला है कॉल अप। कॉल अप देखिए, कॉल मतलब याद करना, अप मतलब ज़्यादा, ये ऊपर हम लोग ना अप मतलब ज़्यादा ऊपर हो जाना। तो किसी को इतना आप बुलाओ, कॉल करो जो अप हो जाए, ज़्यादा हो जाए, मतलब आप उसे याद करना। तो कॉल अप किसी को पुकारना, आप इतना पुकारो कि वो याद बन जाए, तो मतलब कॉल अप याद करना। तो लिखा ही कॉल्स अप गॉड पर डे, वो भगवान को रोज़ याद करता है। अगला है कैरी ऑन, जारी रखना। जैसे मैंने जारी कैरी ऑन, कोई चीज़ कैरी ऑन, ऑन मतलब जो चीज़ जारी हो वही लगता है, कैरी ऑन जारी रखना। यू शुड कैरी ऑन योर स्टडी, तुम्हें अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। अगला कट डाउन, कट मतलब कम करना, डाउन मतलब कोई चीज़ घटा देना, कट डाउन कम कर देना, घटा देना मतलब कम करना। जैसे तुम्हें अपना वजन घटाना चाहिए, यू शुड कट डाउन योर वेट। तो इसमें लिखा है रामू शुड कट डाउन वेट, रामू को वजन घटाना चाहिए। ओके, अगला है कट ऑफ। कट ऑफ मतलब मरना, कट मतलब कटना, ऑफ मतलब दूर हो जाना, कोई चीज़ कट हो गई, अलग हो गई, मतलब वो मर गया, उसका मतलब वायर जो था, वायर तार जो था कट गया। ओके, कट ऑफ हो गया मतलब मर गया। तो सी कट ऑफ, वो मर गई इन हर यंग एज, अपनी जवानी में, तो वो अपनी जवानी में मर गई। अगला है फॉल आउट। फॉल मतलब गिरना, आउट मतलब बाहर। ओके, मतलब आप किसी पे फॉल आउट, तो सुनो फॉल आउट गिरना, आउट मतलब बाहर, तो मतलब बाहर गिरना। इसका मतलब क्या हुआ है कि आपने आपको किसी ने उठा के फेंक दिया है। फॉल मतलब फेंकना, गिरना, आउट मतलब बाहर, किसी ने आपको बाहर गिरा दिया है, मतलब झगड़ा शुरू हो गया है, मतलब झगड़ना। तो ऐसे याद कर लीजिए, तो फॉल आउट मतलब हो जाएगा झगड़ना, क्या हो जाएगा? झगड़ना। तो क्या है मुझे फॉल आउट समझ लीजिए, फॉल आउट मतलब झगड़ना। जैसे मान लीजिए फॉल मतलब गिरना, आउट मतलब बाहर, आप बाहर गिरी जाके मतलब किसी ने आपको उठा के फेंक दिया, मतलब झगड़े में आपको किसी ने बाहर फेंक दिया, आप गिरे जाके, आउट मतलब बाहर, तो झगड़े के कारण आप बाहर गिरे जाके, मतलब झगड़ना। तो पाकिस्तान शुड नॉट फॉल आउट इंडिया, पाकिस्तान को भारत से झगड़ना नहीं चाहिए। तो फॉल आउट मतलब झगड़ना। ओके, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, फिर इनका एक गेस होता है, अपने पास ही बना सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।